दोस्तों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हमें लाल चींटियाँ तो काटती है लेकिन काली चींटियाँ बिल्कुल नहीं काटती है, और लाल चींटी के काटने के बाद बहुत तेज़ दर्द और जलन होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी दबाएँ, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हमारे घर के अंदर या कई बार घर के आसपास लाल चींटियाँ, काली चींटियाँ, छोटी चींटियाँ या फिर बड़ी चींटियाँ, इन सब का दिखना आम बात है और हम लाल चींटियों के काटने का कई बार सामना करते हैं। और आपने भी ये नोटिस किया होगा कि कई बार हमें लाल चींटियाँ ही काटती है और काली चींटियाँ नहीं काटती है। दोस्तों, ये जो बड़ी और काली चींटियाँ होती है उन्हें कई बार कारपेंटर चींटियाँ भी कहा जाता है, और इन चींटियों के जबड़े बड़े होते हैं। तो इस तरह की बड़ी और काली चींटियों के काटने से हमें दर्द होता है, क्योंकि ऐसी बड़ी और काली चींटियों के जबड़े बहुत ही ताकतवर होते हैं और छोटी काली चींटियों के मुकाबले इनके जबड़े भी बहुत बड़े होते हैं। अगर आप इस तरह की बड़ी चींटियों को खींचते हो तो उनका पीछे का हिस्सा निकल आता है, लेकिन उनके मुंह का हिस्सा उनकी त्वचा पर ही रहता है। दोस्तों, ये तो हो गई बड़ी चींटियों की बात, लेकिन छोटी चींटियों में हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ लाल चींटियाँ ही हमें काटती है और काली चींटियाँ बिल्कुल नहीं काटती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दोस्तों, काली और छोटी चींटियाँ भी हमें काट सकती है, लेकिन हमें उनका काटना महसूस नहीं होता है और हमें सिर्फ लाल चींटियों का काटना ही महसूस होता है। और यही नहीं, बल्कि लाल चींटियों के काटने से हमें काफ़ी तेज़ दर्द और जलन भी होती है, और ऐसा उन चींटियों के शरीर में जो फॉर्मिक एसिड होता है उसकी कम और ज़्यादा मात्रा की वजह से ऐसा होता है। जी हाँ दोस्तों, लाल चींटियों के अंदर काली चींटियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फॉर्मिक एसिड होता है, और इस फॉर्मिक एसिड को मेथानोइक एसिड और कार्बोसिलिक एसिड भी कहा जाता है। जब हमें कोई लाल चींटी काटती है तो वह अपने पीछे के डंग से उस काटे हुए जख्म के अंदर अपना फॉर्मिक एसिड डालती है, और इसी की वजह से हमें दर्द और जलन होने लगती है, और साथ ही हमें खुजली और सूजन भी होने लगती है। लेकिन लाल चींटियों के मुकाबले काली चींटियों में फॉर्मिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है, और फॉर्मिक एसिड के कम कॉन्सेंट्रेशन के होने की वजह से जब काली चींटियाँ हमें काटती भी है तब भी हमें कोई दर्द या जलन महसूस नहीं होती, और जो बड़ी काली चींटियाँ होती है वो भी काटने के बाद फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, और साथ ही इनके काटने से हमारे त्वचा में बड़ा सा कट भी लग जाता है, जिसके कारण हमें बहुत ही तेज़ दर्द और जलन महसूस होने लगती है। वैसे तो चींटियों की बहुत सारी प्रजातियाँ होती है, और इनमें से कुछ चींटियों को डंक होता है और कुछ चींटियों को डंक नहीं होता है। कुछ चींटियाँ काटती है तो कुछ चींटियाँ नहीं काटती है, और चींटियों के अंदर कम ज़्यादा फॉर्मिक एसिड होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमें लाल चींटियाँ तो काटती है लेकिन काली चींटियाँ नहीं काटती है। लेकिन अब तो आपको पता चल गया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ऐसा सिर्फ फॉर्मिक एसिड के कम और ज़्यादा होने की वजह से ही होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।